हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हुई रघुनाथ सिंह। आज मेरे लिए बहुत बहुत बड़ा दिन है। कल बहुत अच्छा हुआ सब। कल आपने देखा मैं रहमान बाबा क्या गई थी। बहुत सारे जन सोचते हैं कि विद्या देवी इतनी बड़ी पुजारी होकर खुद क्या पहुंच जाती है। देखिए भगवान किस रूप में कहां कैसे मिलेंगे पता नहीं। आज की तारीख में मेरे लिए जीता जाता भगवान वही है। और शायद आप लोगों ने नोटिस नहीं किया, वो जिस तरह से आपको लगता है बातें करते मुझसे बिल्कुल बातें नहीं करते, वो इशारे में कुछ ऐसा काम करते हैं जो बहुत अनोखा और बहुत सोचनीय होता है। कल के दिन भी उन्होंने ऐसे ही किया। कल के दिन मैंने उन्हें जूस की बोतल दी थी, वो जूस की बोतल ले जाके उन्होंने आगे कुछ तो किया, गिराया थोड़ा सा, जैसे हम लोग दारू का छीटा गिराते हैं। उसके बाद उन्होंने गिराया, कुछ तो किया, फिर आगे जाके एक जगह बैठ गए। बैठने के बाद उन्होंने मेरी दी हुई सिगरेट पी, सब कुछ किए, मतलब दो दो चीज़ें की। उसका सिगरेट की राख को, काली राख को उन्होंने हाथ से मिटाया, कुछ तो किया। मुझे बस इतना ऐसा महसूस हुआ कि उन्होंने जो काम करने आई थी वो मैं और सिर्फ वो बात समझ पा रहे थे और काम बहुत अच्छा हो गया। समझ रहे हो, कल का काम बहुत अच्छा हुआ है। और मेरे लिए इस वक्त मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि आज साल का आखिरी पूर्णिमा है जो सुबह 5:48 से शुरू हुआ है और कल सुबह 6 तक रहेगा। तो आज का दिन मेरे लिए बहुत मेन है। मुठ करनी जो मैं की हूँ, कहते ना 52 वीर भैरों की मुठ करनी जो मारी हूँ, ये बात पक्की है कि आज के बाद जो लोगों के अंदर भी जिनकी अकड़ी हुई गर्दन है, जो लोग अपनी बेशर्मी पे उतरते हैं, जिनकी आंखों में शर्म नहीं रहती है, जिन लोगों को लगता है कि हम ये हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, अब तक तो कुछ बिगाड़ा नहीं, बहुत सारे लोगों को देखा है कि मतलब सोचते हैं कि हमारा कुछ नहीं कर सकती है। जैसे कि मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन तो भी मुझे कितने लोगों ने मिस कॉल मैसेज करके, उन्होंने ये बात भी नहीं सोची कि जो वो लोग मैसेज में मुझे मैसेज करते हैं उस मैसेज का स्क्रीनशॉट लिया जाता है और बकायदा डायरेक्टली वो पुलिस स्टेशन में दे दिया जाता है। कोई बात नहीं, उन सबको मेरे को आती सबके जुबान बंद करने। तो आज की पूजा पूरी की पूरी होने के बाद जिन लोगों की अकड़ी हुई गर्दन है, जो लोग बेशर्मी करके गलती करने के बाद भी सीना ठोक के बात करते हैं कि हमने क्या किया, ठीक है जो है भगवान देख लेंगे, कोई बात नहीं, भगवान तो देखे ही देखेंगे, इस बार विद्या देवी देखेगी। ऐसी बात है, कुछ लोगों में तो इतनी शर्म भी है कि मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि मतलब बिल्ली बन के जी रहे, मतलब पूरी दुनिया उन पर थू थू कर रही है, जिस जगह से निकल रहे हर कोई उन पर थू कर रहा है, हर कोई इंसान हंस रहा है, लेकिन फिर भी एक अकड़ी हुई गर्दन लेके इस तरह से इंसान चलते हैं, इस तरह से इतने घमंड में रहते हैं कि जैसे इस दुनिया का सबसे महान काम किया है, जो कि उन लोगों का कोई महान काम नहीं। आज की तारीख में उन लोगों को ना कोई पूछ रहा है, ना कुछ कर रहा है, ना कोई उनकी तरफ देख रहा है, लेकिन फिर भी एक घमंड है कि हमने बहुत महान काम किया है। और इस सब की गलती कौन है मालूम है, कि जो तुम लोग सब लोग जो गलत काम करते हो, तुम्हारी गलती का सबसे बड़ा हकदार कौन है मालूम है सजा का, तुम्हारे घर वाले। क्योंकि तुम्हारे घर वालों की गलत शेयर की वजह से तुम जैसे लोगों ने पूजे पाठ का और हर एक चीज़ का मजाक बना के रखा है और हर एक चीज़ों को वो किया है। कभी भी कहते ना, मुझे सब माँ बोलते हैं, माँ का काम होता है अपने बच्चों को सही परवरिश देना, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि परवरिश में भी कोई गलती रह जाए, तो मेरे कहते ना मेरे यूट्यूब पे या कहीं पे समझाने में कोई गलती रह गई जिसकी वजह से मेरे बच्चे सब बिगड़ चुके हैं, सारे यूट्यूब के बच्चे बिगड़ चुके हैं, तो उनको सुधारने का काम तो मैं लूँगी। और कुछ लोगों की अकड़ी हुई गर्दन, मतलब एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, मतलब इतना, मतलब अगर समझो तुम लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी गलती की है तो तुम्हारी गर्दन इतनी अकड़ी हुई है, तो मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, तो मेरा कैसा रहना चाहिए। लेकिन नहीं, विद्या देवी ने झुक के चलना सीखा है, जमीन पे बैठना सीखा है। देखा ना कल पुणे स्टेशन पे पूरी पब्लिक चारों तरफ से देख रही, लेकिन मैं एक आदमी के सामने बैठी हूँ जिसे मैं भगवान मानती हूँ, भले उसे सब लोग कुछ भी माने, लेकिन मैं उसे अपना भगवान मानती हूँ, और उसके सामने बैठ के मैं अर्जी लगा रही हूँ, तो मैं जमीन पकड़ के चलती हूँ। एक बात जिंदगी में याद रखना, घमंड कभी भी नहीं करना, घमंड से आदमी के घमंड हमेशा टूट जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, और कुछ लोगों ने मुझे वो मतलब मैसेज के जरिए, व्हाट्सअप के जरिए बहुत कुछ बोलने की कोशिश की, मतलब ज़बरदस्ती, उनको ऐसा लग रहा है कि अरे कोई कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। तुम लोगों का जो सबका आज हाल होगा आज के बाद, कि जितने लोगों ने बोलने की आदत डालते ना, सबका कपड़ों का खेल खेला है, घर में क्या इंक्वायरी लेते हैं, मेरे घर में क्या होता है, घर के बाहर की इंक्वायरी ली जाती है, आज के बाद कपड़ों का जो खेल है, कपड़ों का खेल मैं कैसे खेलती हूँ वो देखो तुम। ऐसी बात है, तुम लोग दूसरों का प्रोग्राम बिगाड़ने को देखते हो, 100 लड़कियों की शादी बिगाड़ने को देखते हो,
मैं तो आप मेरे को सब जानते हैं कि मैं ऐसी औरत हूँ कि अगर मैंने अगर एक बार कोई बात ठान ली तो वो ठान लेती हूँ और वो काम में करके रहती हूँ, ऐसी बात है, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, मैं एक ही बात जानती हूँ, जो लोग पीठ पीछे भौंकते हैं ना, सामने आके भौंको, एक बार गांड में दम है तो सामने आ जाओ मेरे दरवाजे के, उसके बाद में क्या करूँगी वो देखना। हाँ, एक दो जन बेशरम लोग तो आने की कोशिश भी करते दरवाजे तक, आ भी जाते हैं, क्यों? क्योंकि मैंने क्या कहा, शर्म नहीं है ना, आंखों की शर्म को हम क्या कर सकते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, कपड़ों का खेल कैसे खेलते, जैसे कपड़े यूज़ कैसे किए जाते हैं, तो आज मैंने भी कुछ लोगों के कपड़े अपने पास ले लिए। कपड़ों का खेल विद्या देवी कैसे खेलेगी वो देखना। और ये जो लोगों ना गर्दन अकड़ के चलते ना, जैसे उन लोगों ने इस दुनिया का सबसे अच्छा काम किया है, हमारे गांव में कहावत है, नौ क्या कहते हैं ना, 900 चूहे खा की बिल्ली हज को चली, ऐसी बात है। तो ये बिल्लियाँ होती ही ऐसी हैं, ये बिल्लियाँ 10 जगह पे 10 हांडी में मुंह मार के आने के बाद भी अपने आप को ऐसे दिखाएंगी कि हमसे अच्छा तो कोई है ही नहीं। और ये सारा काम में इंसाफ देने वाले सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे घर वाले होते हैं, जिनको पता है कि ये इंसान पूरी तरह से गिरा हुआ है, लेकिन तुमको और बर्बाद करने में, तुमको और बिगाड़ने में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे घर वालों का हाथ होता है। अभी जैसे मेरे घर में अगर मेरे बच्चे बिगड़े तो मैं उन्हें सुधारूंगी, हर तरह से सुधारूंगी, न कि उन्हें मैं और उस गलती का शह दे दे के बिगाड़ूंगी, ठीक है ना। विद्या देवी को अपना घर परिवार भी अच्छे से संभालना आता है, अपना यूट्यूब परिवार भी अच्छे से संभालना आता है, और जो मेरे परिवार और मेरे यूट्यूब पे गंदी नज़र रखते हैं उनकी गंदी नज़र को उतारना भी बहुत अच्छे से आता है। तो आज का खेल मेरा है, बाकी का देखेंगे, क्योंकि आज के खेल में मुझे कोई नहीं हरा सकता। आज तक जिसने जितनी गलतियाँ की है उस सब की सज़ा आज मिलेगी। कितने लोगों ने झूठ बोला है, हमारे भाई को गोली लग गई है, ये हो गया, अब सच में लगेगी, ऐसी बात है। क्योंकि आदमी एक सच छुपाने के लिए 100 झूठ बोलता है ना। लेकिन कभी कभी पता है अपने मुंह पे जबान पे माँ सरस्वती बैठती हैं, वो सच्चाई सामने आ जाती है। आप अगर किसी के साथ एक बार धोखा कर रहे हो और आपको लग रहा है कि क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसे मत सोचो। सामने वाला जानता है कि आप धोखा कर रहे हो, सामने वाला जानता है कि आप झूठ बोल रहे हो, फिर भी वो आपको कुछ नहीं कहता है। इसलिए नहीं कहता है क्योंकि वो जानता है कि आप कितने गिरे हुए हो। आप यही कर सकते हो, आपकी औकात ही यही, आप इससे ज़्यादा कुछ कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि आप लोगों से मेहनत होगी नहीं। क्योंकि जो मेहनत करने वाले लोग हैं, जो काम धंधे पे, जो अपने काम में ध्यान देने वाले हैं, वो इतनी फालतू बातों में ध्यान ही नहीं देंगे। विद्या देवी ना सेल्फ रिस्पेक्ट वाली है, बचपन से आज तक इंडिपेंडेंट रही है, कभी किसी के भरोसे नहीं रही, अपना काम खुद, कहते ना खुद कमाना खुद खाना, कभी कुछ पैसों के लिए लोगों को चीट नहीं किया। उल्टा मेरे पास ही यूट्यूब से जितने लोग जुड़े हैं उतने लोगों के लिए मैंने कितनी बड़े बड़े ऑफर डाले। कौन है यूट्यूब पे जो आपको 50,000 का 10 लाख है 50 लाख देता है? कौन है यूट्यूब पे जो आपको गाड़ी का फ़ायदा देता है? कौन है आज की तारीख में मुझे यूट्यूब पे एक बंदा बता दो जिसने ये सारी चीज़ें की और सबको फ़ायदा दिलाया? कौन है यूट्यूब पे इतना बड़ा कि आज की तारीख में जो काम मैंने आज तक करके दिखाया कोई करके दिखा पाया है क्या? और कौन है ऐसा जो आज तक मेरे सामने टिक पाया है? अरे आजकल तो लोग मेरी कॉपी करने लगे हैं। अब देखिए, हाँ, मेरा तो सुबह शुरू से, जब से मैं पैदा हुई, हमारा खानदानी आदत है, हमारे मम्मी पापा भी सज संवर के रहते थे, हम भी, हम लोगों को शुरू से आदत है कि सुबह नहा धो के सज संवर के भगवान की पूजा करना, क्योंकि सज संवर के माता जी की पूजा करने से हमारा सुहाग हमेशा माथे पे चंद्रमा के जैसे चमकता रहता है। तो आजकल कुछ लोगों ने मेरी कॉपी करने की कोशिश की है। तो शक्ल पे मेकअप पोतने से सीरत नहीं बदल जाती, सूरत बदलने से सीरत नहीं बदलती, सीरत बदलो, समझ रहे हो? सूरत क्या करोगे बदल के, ऐसी बात है। क्योंकि जब इंसान सूरत बदलता है तो सीरत भी अपने आप इसलिए बदलती है, वो एक इंसान के लिए नहीं बदलती है, फिर 10 इंसान के लिए बदलती है, ऐसी बात है। तो जो लोग सूरत बदल रहे हैं उनको मैं एक ही डायलॉग मारूंगी कि 10 हांडी में मुंह मार के आ चुके हो, 10 इंसानों के सामने नंगे हो चुके हो, अब और कितनों के सामने नंगा होना बचा है? इज्जत बची है क्या? कुछ इज्जत के नाम पे कुछ बचा गया? जिसके सामने तुम लोग उठते हो, बैठते हो, हंसते हो, बोलते हो और दिखाते हो कि हमने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया, हम तो बहुत अच्छे हैं, तुम्हें पता है सामने वाले पीठ पीछे तुम्हारे मुंह पे थूकते हैं कि ये देखो ये लोग ऐसे इतना ये लोग गर्दन अकड़ के चल रहे हैं, इनके आईपत है क्या? ऐसी बात है। तो मेरे को देखो, आप, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मेरे सीखने वालों में से कितने लोगों का मुझे फ़ोन मैसेज आ गया, माँ सॉरी माफ़ कर दो। विद्या देवी थूका हुआ कभी नहीं चाटती है, याद रखना। परिवार की बात अलग है, परिवार में भी विद्या देवी झुक भी जाएगी, झुक के दो झापड़ भी खा लेगी अपने परिवार का, उसमें कोई राय नहीं। लेकिन बाहर वाला
बाहर वाला कोई माइका लाल मुझे अपने चरणों में झुका ले, उस दिन तो विद्या देवी सब कुछ हार जाएगी। मरना मंजूर कर लेगी नहीं, हारना मंजूर नहीं करेगी, यही बात है। तो इसी बात पे है कि सीखने वाले चाहे कितना भी मेरे सामने नाक रगड़े गिड़गिड़ाए, अब उनकी उल्टी गिनती शुरू है, क्योंकि मैं एक बार हो गया तो दोबारा माफ़ी नहीं देती हूँ। मेरे लिए माफ़ी शब्द है ही नहीं। मेरी नज़र से कोई एक बार गिर गया सो गिर गया, उसके बाद तो ज़िंदगी भी नहीं उठ सकता। मैंने हमेशा एक ही बात बोली, अगर कोई मेरे दिल में नहीं तो मैं दिमाग में भी नहीं रखती। और दूसरी बात, मैं किसी के भरोसे भी नहीं रहती हूँ। मुझे दो तीन जनों ने मैसेज किया, डायलॉग मारा, माँ आपका जन्मदिन आ रहा, क्यों ऐसा हम लोग से नाराज़ हो रहे हो? ठीक है ना, आने दो ना, जन्मदिन हर साल आता है, सही बात है ना। मेरे जन्मदिन का तोहफा तो मेरे मस्तान बाबा देंगे, मेरे जन्मदिन का तोहफा तो मेरी मांडरची काड़ूबाई देगी, और वो जो जन्मदिन का तोहफा देगी, वो जन्मदिन का तोहफा एक ही है कि जितने लोगों ने आज तक मेरी अच्छाई का गलत फ़ायदा उठाया है, जितने लोगों ने मेरी अच्छाई को बेवकूफ़ी का नाम दिया है, उन सबको उनकी किए की सज़ा ऐसी देना कि जब तक तो मैं जिंदा रहूं, जब तक मैं जिंदा रहूं, चाहे एक साल रहूं चाहे एक दिन रहूं, जब तक मैं जिंदा रहूं ये लोग सुख की और चैन की रोटी कभी ना खा सके। और एक आशीर्वाद ये चाहिए कि जब तक कि मैं जिंदा रहूं, मैं नहीं मेरा पूरी सात पीढ़ी हमेशा ऐसे ही राजाओं की जैसी जीती रहे, उन्हें अन्न धन पैसों की कभी कोई कमी ना हो। इतना तो विद्या देवी करके जाएगी। ठीक है, जय माता दी।